बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मत्यो मा अमृतगमय। इसी ध्येय के साथ हमारा विश्वविद्यालय परिवार इस ज्ञान रूपी यज्ञ में अपना भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज ये परम सौभाग्य है, हमारे कुलाधिपति महोदय हमारे बीच में हैं। अत्तदीपो भव, अपना दीप हम स्वयं मने, स्वयं को आलोकित करें, जग को आलोकित करें। माननीय कुलपति महोदया एवं हमारे कुल सचिव महोदय भी साथ में हैं।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सौभाग्य है ऐसे गुरुवर हमारे यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए विश्वविद्यालय परिवार में उपस्थित हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति महोदया डॉक्टर निर्जा जी गुप्ता से अनुरोध करूँगा कि वे हमारे आज के और मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष के सर्वाधिक विद्वत व्यक्तियों में शुमार श्री रिनपोशे जी जो माननीय कुलाधिपति महोदय हैं सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का के उनका पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कुलपति महोदया जी से कि वे महर्षि अभय कात्यायन जी का जो कि हमारे साधारण परिषद के वरेण्य सदस्य हैं उनका अभिनंदन करें। यदि वे नहीं होते तो शायद हम इनपोशे जी तक हमारा जो सामिप्य है वो स्वीकार होने में समय लगता और वो बिना किसी विलंब के हुआ है तो उसके पीछे भी कोई शख्सियत है। तो हमारे बीच में उनके सचिव महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हमारे कुल सचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अल्केश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूँगा कि वे तेंजिंग जी का पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। विगत दो वर्षों में विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है वो निखर कर सामने आ रहा है। कई लक्ष्य हैं, कई बाधाओं को पार किया जा रहा है, उसके पीछे प्रेरणा है, ऊर्जा है हमारी यशस्वी कुलपति महोदया की। मैं अब उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने व्याख्यान से हमें प्रेरित करें। माननीय कुलपति महोदया। परम आदरणीय कुलाधिपति महोदय, आदरणीय सामदंग रिंपोचे जी, माननीय जनरल काउंसिल मेंबर दादा अभय कात्यायन जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, माननीय कुलाधिपति के सचिव महोदय, विश्वविद्यालय परिवार से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक परिवारगण, कर्मचारीगण, और आज संयोग से विश्वविद्यालय में बाह्य विशेषज्ञों के रूप में आए हुए हमारे फैकल्टी मेंबर्स, प्रिय विद्यार्थी और आमंत्रित सदस्यगण, सबसे पहले आप सबको सादर वंदन। और आज का ये एक बहुत ही अभूतपूर्व क्षण है। अभूतपूर्व इसलिए कहूँगी कि विश्वविद्यालय के जब गठन होता है तो उसमें बहुत सारी साधारण परिषद होती हैं, कार्य परिषद होती हैं, और भी बॉडीज़ होती हैं, और वो निरंतर अपने काम करती होती हैं। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय का क्योंकि सांची में परिसर है और क्योंकि हमारी साधारण परिषद के मुख्य अध्यक्ष जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो अक्सर ये काम जो है वो भोपाल तक होकर और वहाँ से ही सब सदस्यगण अपने अपने निवास को प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे माननीय कुलाधिपति जी ने यहाँ स्वयं आने का एक निश्चय किया और हमारे अनुरोध का भी स्वीकार किया। और जैसे एक वट वृक्ष अपनी छाया के साथ सबको ढक लेता है, आज मुझे हृदय में ऐसी अनुभूति हो रही है कि हमारी जो छाया है, जो संस्कारों की, गुणों की, ज्ञान की और एक अस्तित्व की, जैसे आज हम पूर्णता में आज यहाँ बैठे हैं कि आदरणीय कुलाधिपति जी हैं, हमारे सदस्य जी हैं, और हम भी जो यहाँ बैठे हैं वो भी जिसे हम कहें एडिशनल चार्ज वाले नहीं हैं, पूर्णकालिक यहाँ अधिकारी बैठे हैं। तो जो अनुभूति मुझे हो रही है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप सबको भी
आज वो पूर्णता का अनुभव हो रहा होगा कि विश्वविद्यालय का एक पूर्ण अस्तित्व जैसे यहाँ बैठा है, और उस पूर्णता में यहाँ तक पहुँचना बहुत सारे पड़ावों को पार करके हुआ है। और ये विश्वास दिलाना, चाहे माननीय कुलाधिपति जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे कुलाध्यक्ष माननीय राज्यपाल जी हैं, या हमारे दूसरे सदस्यगण हैं साधारण परिषद के, कार्य परिषद के, एक तरह का विश्वास, आप लोगों की निष्ठा, आप लोगों के समर्पण और आप लोगों की जो सहभागिता रही है, आपने जिस सहयोग से इस बीड़े को लिया है कि इस विश्वविद्यालय के लिए अब नाम करने का समय आ गया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है, और जिस प्रतिबद्धता से आप सब इन ऊर्जाओं में जुड़ गए हैं, वो ऊर्जा कैसे हम आगे तक पहुंचाएं, वो क्षण अब आ रहे हैं। एक तरफ परिसर बन रहा है, एक तरफ नियुक्तियां हम लोग कर रहे हैं, एक तरफ एडमिशन्स के नए प्रोसेसेस शुरू किए हैं, और उन सबके साथ जो हमारी एक गाइडेंस की जो प्रक्रिया है हमें मिलनी चाहिए, मार्गदर्शन के साथ हम आगे बढ़ें, वो क्षण भी जुड़ते चले जा रहे हैं। और मैं वाकई, जब से मुझे ये सूचना मिली कि माननीय कुलाधिपति जी स्वयं आ रहे हैं इतनी दूर की यात्रा करके, और इस विश्वविद्यालय का महत्व उनके हृदय में क्या है, ये पिछले दो दिन के वार्तालाप में, कल और आज में, मैं बिल्कुल अंतर्मन से महसूस कर पा रही हूँ कि हम वाकई ऐसे एक पुण्यात्मा के मार्गदर्शन में हैं जिन्हें हमारी और आपकी चिंता है, और जो इस विश्वविद्यालय के लिए और भी जो आपके भी सुझाव होंगे, आपकी सूचनाएं होंगी, उनको भी ग्रहण करने के हेतु से यहाँ आए हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन गुरुजी, आपका भी, अभय दादा आपका भी, आप सबका बहुत अभिनंदन। ये आज मेरे बोलने का अवसर नहीं है, मैं सिर्फ अनुग्रहित हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए हैं और आपने समय निकाला आज सांची आने का, जो वाकई बहुत दूर है भोपाल से, और अब हम आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुलपति महोदय, आपको धन्यवाद। आपके दिशा निर्देशन में ये सर्वविदित है और दिखाई भी देने लगा है, परिलक्षित है कि जिस तरह विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर है, और आगे भी आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, और हमारा विश्वविद्यालय इसी तरह अपनी कीर्ति पताका चहु दिशाओं में लहराएगा। अब मैं जिनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ, उसके पूर्व यदि उनका परिचय नहीं दूंगा, ये शायद मेरे शरीर के छोटे दीपक के लिए तर्कसंगत भी नहीं होगा, न्यायपूर्ण भी नहीं होगा। मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ, वे हैं हमारे, जिनको हम दादा भी कहते हैं, महर्षि आचार्य अभय कात्यायन जी, जो हमारे साधारण परिषद के वरिष्ठ सदस्य हैं। 40 के लगभग पुस्तकें इनकी विभिन्न विषयों पर प्रकाशित है, बहुभाषाविद हैं। बीच में मुझे चर्चा का अवसर मिलता रहा है, और अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, या कोई भी भाषा हो, मेरे विद्यार्थी बैठे हैं पीएचडी के, ब्रजेश जी भी, वो भी इनसे लाभान्वित होते रहते हैं। एक छोटे से शब्द की वो किस तरह से परिभाषित करते हैं, वो किसी डिक्शनरी में नहीं है, वो उनकी खुद की डिक्शनरी में है, जो स्वयं यदि वो आपके सामने होंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उपयुक्त होगा। आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, वास्तुशास्त्र हो, कर्मकांड हो, भाषाशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, तभी शायद जो इनका आवास है उसे इन्होंने नाम दिया है जम्बूद्वीपीय ज्ञान स्वाध्याय कुटीर। कुटीर है पर ज्ञान का महासागर है। तो मैं पुनः विनम्र भाव से, नम्र भाव से आपको दादा महर्षि अभय कात्यायन जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, आपके आशीर्वचन हमें लाभान्वित करेंगे। हरिओं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आदरणीय समदोंग रिंपोचे जी, अल्केश जी और मैडम नीरजा गुप्ता जी, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मुझे स्मरण है कि सन 2014 के आसपास एक दिन मैंने समाचार पत्र में पढ़ा
कि सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है बड़े समारोह के साथ, तो मैं अत्यंत हर्षित हुआ। मेरे मन में एक बड़ी कल्पना थी, मैंने सोचा कि चलो पहुंचूंगा और वहां कुछ अध्ययन करूंगा। लेकिन फिर जैसे तैसे दो तीन वर्ष पीछे जब मैं यहां आया तो पता लगा कि विश्वविद्यालय तो अभी कहीं बैठते हैं और कोई अधिकारी कहीं बैठते हैं। पर एक बात मेरे मन में थी, सबसे पहले मैंने जैसे ही सांची में प्रवेश किया तो मुझे सिखाई दिया ये श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी, तो उनसे संपर्क करके मैंने सिंगली भाषा सीखी, बड़ी मुश्किल से सीखी, वो इतिहास नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अब आज उसका प्रमाण पत्र थोड़ा सा हमें विमल तिश जी ने दे दिया है, तो मुझे प्रसन्नता है कि ठीक है, मेरी जो मेरा परिश्रम सफल हुआ है। आदरणीय रिम्पोछे जी का नाम सबसे पहले मैंने जाना जब मेरी इच्छा थी तिब्बती भाषा सीखने की, और एक दिन मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली के सूची पत्र में तिब्बती पाठमाला का नाम आया तो मैंने उस पुस्तक को मंगवाया तो देखा कि हिंदी माध्यम से वो पहली पुस्तक निकली है, और उस समय उसका प्रकाशन केंद्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान सारनाथ वाराणसी से हुआ। वो पहला ही पुष्पता तिब्बती का बुद्धि का वो जो ग्रंथमाला है उसका, तो उसके लिए मैं रिम्पोछे जी को का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिसके कारण मेरा तिब्बती भाषा के साथ परिचय प्राप्त हुआ। और पिछली बार जब बैठक में आया और उनका नाम सुना और पता लगा कि वो नहीं आए हैं तो मुझे बहुत बड़ी निराशा हुई, लेकिन इस वर्ष जब वो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, उनका मैं बहुत अधिक आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरा तिब्बती और बौद्ध धर्म का ज्ञान बढ़ाने में वो अवश्य मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो ये है, मेरे भीतर बहुत लगन है कि ये पूरा जम्बूद्वीप, क्योंकि हम अपने संकल्प में रोज कहते हैं जम्बूद्वीप भरत खंड, और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में जैन ग्रंथों में भारतवर्ष का नाम कम आता है, जम्बूद्वीप का ही आता है। मुझे वो दिन वो स्मरण आता है जिसका बौद्ध इतिहास में वर्णन है कि आयुष्मान महेंद्र जो सम्राट अशोक के पुत्र थे जब पहली बार श्रीलंका में गए और वहाँ पहुँचे तो वहाँ का राजा था तिश्य, और तिश्य ने उनको देखा तो वो डर गया, पर उन्होंने नाम लेकर के कहा कि यही तिश्य। तिश्य ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये कौन सा देवता है। तब उन्होंने जो उत्तर दिया उन्होंने कहा कि समणामयम महाराज धम्म राजस्य सावका तबेव अनुकंपाय जम्बूद्वीपा इहागता। जम्बूद्वीप का नाम वहाँ भी चलता है, शासन वंश हो जो बर्मा के स्वामी पन्या स्वामी ने लिखा है या कोई भी ग्रंथ हो, सब में उसी का नाम हमको मिलता है। ये तिब्बत हमारे स्वर्ग का स्थान है जिसको त्रिविष्टप कहा जाता है, देवताओं का स्थान। दूसरी बात, कुछ वर्षों पहले मुझे तिब्बती औषधियों के बारे में रुचि हुई तो अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की साप्ताहिक संपादिका श्रीमत वो टेरी क्लिफर्ड, वो तिब्बत भ्रमण के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी द टिबेटन मेडिसिन एंड साइकियट्री, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसे जब पढ़ा तो उन्होंने संक्षेप में पहले इतिहास भी दिया है और किस तरह से इस्लामी आक्रांताओं ने और बौद्ध भिक्षुओं को 13वीं शताब्दी में मौत के घाट उतारा, क्योंकि उस समय एक सीधी क्रम संख्या बनी हुई थी, आते थे लेकिन उसके बाद चूक गए। इसके बाद भी मृत्यु से न डर करके तिब्बत का बुद्ध के भारत के साथ निरंतर संपर्क बना रहा, वो टूटा नहीं। ये एक बड़ी गंभीर तिब्बती भाषा की लिपि तैयार करने में वहाँ के नरेश ने, देखिए आज चीन का अधिकार है पर जिस पुस्तक का मैं हवाला दे रहा हूँ उसी में लिखा है कि तिब्बत के सम्राट न्याट्री चेनपो ने, जो कि भारत के शतयुद्ध नामक राजा का पुत्र था, उसने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में तिब्बती राजवंश की नींव डाली। अब भैया चीन का क्या था, किस किताब में लिखा है,
कि उस समय हमारे नेताओं ने राष्ट्रसंघ में उसके मामले को गड़बड़ी कर दिया। अब जब ये सब मालूम होता है तो पीड़ा तो होती है, बात निकलती है, कहते हैं, तो वो मैं भी सोचता हूँ कि आखिर क्या है। पर हम सब कभी कैसे सीख पाएंगे, हम सिर्फ ABCD रटते रहते हैं, इंग्लिश इंग्लिश, चारों तरफ इंग्लिश माध्यम की स्कूल है। हमारे पड़ोसी देशों से जो हमारे ही देश हैं, जम्मू द्वीप के ब्रजभाग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनको हम नहीं पहचानते। वो आंटी जी हमें कैसे पहचानने देंगी, क्योंकि उन्होंने तो हमारे देश में ऐसा अंग्रेजी में फूट का बीज बो दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी पढ़ाई, अंग्रेजों ने क्या लिखा तिब्बत के बारे में हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें स्वयं जानना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित है कि हम दूर दूर रहेंगे, इसी के तो दुष्परिणाम होंगे। और मुझे अंत में प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम इस बौद्ध विश्वविद्यालय में बहुत बड़े व्यापक उद्देश्य हैं। इसकी जो नियमावली और परिचय पुस्तिका हमें दी गई है उसमें इसकी योजनाएँ बहुत बड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि अब ये जो पड़ोसी देशों की भाषाएँ हैं इनसे जो है इनकी, क्योंकि इन सब में सब बर्मी भाषा की एक डिक्शनरी मैंने मंगवाई तो देखा पाली के इतने शब्द हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत अधिक शब्द हैं। तो इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि के लिए, राजनीतिक समृद्धि के लिए, विश्व शांति के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारा भारतवर्ष जो है सुदृढ़ हो, और ये तभी होगा जब हमारे सभी पड़ोसी खुशहाल होंगे। और इसलिए इस नए दृष्टिकोण के साथ यहाँ पर हम सब लोग जो उपस्थित हुए हैं वो अब तैयार रहें इसके लिए। ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, तक्षशिला और नालंदा से भी आगे जाए, क्योंकि वो तो पुरानी बात हो गई, अब हमें उससे और आगे जाने की ज़रूरत है। उसको हम नीव मान करके और उसके ऊपर इसका जो भव्य भवन तैयार करें वो कुछ विश्व में अनोखा हो, भारत जो है फिर से अग्रणी दिखाई दे, ये सब हमारी संपदाएँ हैं। इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने जो मंगल संकल्प लिया है, विश्वविद्यालय परिवार का ध्येय रहेगा कि वह आपका संकल्प सिद्ध हो, और हम उसके लिए सदैव समर्पित रूप से कार्य करते रहेंगे। अब हम जिन्हें हमारे बीच पाकर पुलकित हैं, हमारा रोम रोम पुलकित हैं, वे हैं हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय। कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा है और मेरी तो यात्रा भी शुरू ही हुई है, और विश्वविद्यालय भी मेरा नवीन है। परंतु यदि मैं शुरू करना चाहूँगा तो प्रोफेसर समदोंग रिनपोशे जी, जिनका जन्म 1939 में हुआ, उसके पश्चात इन्होंने 5 वर्ष की आयु में, इनको जो इनके गुरु थे उन्होंने पाया कि यह में जो इनकी विलक्षण प्रतिभा है, जो स्किल्स हैं, ये 4th समदोंग रिनपोशे जो परम्परा है उसमें शामिल हुए और इनकी शिक्षा दीक्षा आरम्भ हुई। और इन्होंने स्पिरिचुअल स्टडीज़ का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया, और उसको बोलते हैं लेमरी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो, वो स्टेजेज ए पाथ टू एनलाइटनमेंट, उसको प्राप्त करने के लिए जो मोनिस्टिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अध्ययन कार्य आरम्भ किया। और ऐसे में रेवरेंट टीचर जो हैं नवंग जिनपा, उनका सानिध्य और आशीर्वाद हमारे गुरु जी को प्राप्त हुआ। इसी के साथ जब इनकी यात्रा बढ़ने लगी 20 वर्ष की आयु में इन्होंने फुल ओरिएंटेशन भिक्खु की शपथ ग्रहण करी बोध गया में, और वह भी एक ऐसे सम्माननीय व्यक्तित्व के धनी, हम सबके पूजनीय आदरणीय हिज होलीनेस दलाई लामा जी, उनके माध्यम से इनकी दीक्षा शिक्षा आरंभ हुई। उसके बाद इनको 1960 में हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन धर्मशाला में, जिसका आरम्भ हुआ कार्य, वहाँ से इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। और मुख्य ध्येय हमारे कुलाधिपति महोदय का शुरू से रहा है कि वे एजुकेशन पर कार्य करें, और उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी जो तिब्बतियन लैंग्वेज है और उसका कल्चर है, उसका जो इतिहास है, उसको काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। इतना ही नहीं, जब वे प्राइम मिनिस्टर बने, जिसे कालोन त्रिपा कहते हैं तिब्बतियन भाषा में, उसके बाद उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी ड्राफ्ट तैयार किया, जो कि इसका उनका उद्देश्य था अ मैटर सो डील टू हार्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एगो, जो उनके दिल में काफ़ी समय पुराना एक सपना था वो शायद साकार होते नज़र आ रहा था। और इसके अंदर उन्होंने जो अलग अलग ज्ञान की दिशाएं होती उनको समाहित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उनकी जो शिष्य गुरु शिष्य परम्परा है काफ़ी धनी है, और मैं यदि ज़्यादा समय ना लेते हुए उनसे हम उनको सुनने की ललायित हैं,
तो यह जरूर कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र उनका जो जोर रहा है वो तीन चीज़ों पर मुख्यतः रहा है, सत्य, अहिंसा और प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन और संरक्षण। इन्हीं भाव के साथ मैं अब उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, कल्पना जलं गंभीर उदारमूर्तये नमन समन्ता वध्रया समन्ता त्रिशे। श्रद्धे स्वामी जी, पूज्य भिक्षुगण, परम आदरणीय कुलपति महोदय डॉक्टर गुप्ता जी, कुलसचिव महोदय और सभी शैक्षणिक अशैक्षणिक कार्यरत विद्वत वृंद, स्नेह पात्र छात्र वृंद, ये विचित्र घटना है कि मैं सारे दायित्वों से सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ मित्रों के आग्रह को ना टल पाने के कारण कुछ वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति की नाम को मैंने ग्रहण किया था, लेकिन मेरा कोई योगदान नहीं रहा। 3 वर्ष तक वो नाम मेरे साथ जुड़े रहे। वाइस चांसलर के अवकाशों को शायद स्वीकृत दिया होगा और उसके अतिरिक्त हमारे कोई योगदान नहीं रहा। तो उसके बाद मेरे कार्यकाल पूर्ण हुआ और 1-2 बार सम्मेलनों में या कुछ कार्यों में भोपाल में आना जरूर हुआ था। उसके पश्चात इस विश्वविद्यालय की परिवारों से संबंध विचित जैसा हो गया था। तो फिर पिछले वर्ष एक दिन आकस्मिक वहीं पुराने मित्रों का दुर्भाष्य से बात हुआ कि आपको पुनः नियुक्त होने जा रहे हैं। तो मैंने बहुत कहा कि आप मुझे इसमें मत फंसाइए, परंतु वयोवृद्ध मित्रों की आग्रह को टालना अंततगत संभव नहीं रहा। तो पुनः फिर मुझे इस पद के नाम को विवशता स्वीकार करना पड़ा। तो सोचते रहे, ऐसा तो भारतवर्ष में जितना विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति एक अलंकार वस्तु होता है, उस ना तो कोई दायित्व होते हैं और ना कोई शक्ति होता है। तो इस सोच कर कि हमने पुनः इस पद को ग्रहण किया, तो सामान्य परिषद की बैठकों में उपस्थित होना चाहिए थे, एक बार नहीं हो पाए। तो इस बार जब सूचना किए तो मेरे विचार में आया कि हर समय अनुपस्थित रहना दायित्व को अनादर करना जैसा हो जाएगी। तो जो कुछ बाधाएं थे उसके अतिरिक्त धर्मशाला में 14-15 तारीख को
पहले से ही निर्धारित कुछ कार्यक्रम थे, उन सब बावजूद मैं यहाँ उपस्थित होने की प्रयास किया और पहुँच पाए। मैंने ये कभी कल्पना भी नहीं किए थे आप सबसे मुलाकात होंगे और बहुत सब औपचारिकताएं निभाया जाएगा। एक विशेष अतिथि के रूप में आदर सत्कार होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था, लेकिन कल जब से मैं हवाई अड्डे पर उतरा हूँ तब से लेकर अभी तक औपचारिकताएं निभाते जा रहा हूँ। आप लोगों की ओर से स्नेहपूर्वक आदर सत्कार किया गया है, उसको मैं अनादर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक साधारण बौद्ध भिक्षु के लिए ये सारे औपचारिकताएं बहुत सहज रूप से स्वीकार करना उतना सुविधाजनक नहीं होता है। फिर भी जो कुछ हैं सो ठीक ही हैं। सांची एक ऐसा आर्यावर्त भारतवर्ष के मध्य स्थल में महत्वपूर्ण जगा रहा है प्राचीन काल से ही। भगवान बुद्ध के जीवन काल में भी यहाँ के जनपद अनेक महत्वपूर्ण इतिहास घटनाओं से घटित हो रहे थे। अशोक से जुड़े हुए इतिहास, राजा भोज से जुड़े हुए इतिहास इत्यादि सब आपको मालूम है। संपूर्ण प्राचीन समय में ये स्थल बौद्ध भारतीय ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या के स्थान रहा है। और वर्तमान काल में भी मैं आज सुबह सर्किट हाउस से यहाँ आ रहे थे तो मार्ग में बहुत सा विश्वविद्यालय देखे, शिक्षा संस्थाएं देखे, स्कूल्स देखे, तो आज भी ये एक प्रकार से शिक्षा केंद्र रहा है ऐसा मुझे अनुभूति हुआ। पंद्रह बीस वर्ष पूर्व भारतवर्ष में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की स्थापना हुए, उस कार्यक्रम से हम भी जुड़े हुए थे, तो उसके आसपास एक ऐसा विचार लोगों के मन में उदय हुआ कि सांची में बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन की विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। तो वो बिल्कुल होना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत थे, संस्तुति किया और कुछ लोगों के साथ मिलकर के इस विचार को एक प्रारूप देने की प्रक्रिया में थोड़े दिन लगे थे। आज भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, परंतु शैक्षणिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से आज भी
विदेश प्रभुत्व समाप्त नहीं हो पाया है। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते ही होंगे। 1832-33 के समय में मैकॉली ने जो यहाँ की शिक्षा पद्धति को समाप्त करने की विचार ब्रिटिश सरकार को दिया था, तब से लेकर के करीब 80 वर्ष की अवधि में 1908-09 तक भारतीय शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा पद्धति और परंपराएं लगभग समाप्त हो चुके थे, जो गांधी जी ने हिंद स्वराज में समर्पण किया है। और उसके बाद धर्मपाल जी ने उन सबको विवरण ब्रिटिश शासन की दस्तावेजों से प्रमाणिकता से निकाल करके विवरण दिया है। द ब्यूटिफुल ट्री नामक उनका ग्रंथ है, उसमें भारतीय शिक्षा पद्धति किस प्रकार से समाप्त हुआ, उसके विरोध में आंदोलन भी बहुत शुरू से चल चुके थे। आर्य समाज का आंदोलन, अरविंद घोष की आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कार्य, मदन मोहन मालवीय के प्रयास, गांधी जी के स्वयं नई तालीम की व्यवस्था, इन सब के माध्यम से वह जो मिटाए गए भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनः स्थापित करने की प्रयास हर प्रकार से जारी रहा। परंतु वह कार्य यथा इच्छित और यथा आवश्यकता पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये नई तालीम की पद्धति हैं मेरे भारतीय राष्ट्र के प्रति आखिरी एवं सर्वोत्तम एक बेंच है, ये राष्ट्र स्वीकार करेंगे। परंतु आज नई तालीम पद्धति के माध्यम से शिक्षा संस्थाएँ या शिक्षा व्यवस्था कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा बहुत पिछले 40-50 वर्षों में प्रयास हुआ, जिसके अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा पाली इंस्टीट्यूट, लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट टिबेटन स्टडीज सारनाथ, इन सब के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं दिखाया गया। और सांची जैसे जनपद में, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण के जनपद में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हो, इसका आवश्यकता बहुत से बुद्धिजीवियों के और राजनेताओं के मन में उत्पन्न हुआ, तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। इसका संभावनाएं बहुत व्यापक हैं, अथाह संभावनाएं इसमें हैं। परंतु हर कार्य में प्रारंभ में थोड़ा कठिनाई होते हैं, वो यहाँ पर भी संभवतः हो रहा है, ऐसा कुछ मैं अनुभूति कर सकता हूँ या अनुमान कर सकता हूँ, पर कुछ मैं जानता नहीं हूँ। अंग्रेज भाषा में कहते हैं टीथिंग ट्रबल, बच्चों को दांत उगते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा कठिनाई होते हैं, उस समय ऐसा आप लोग गुजर रहे हैं। लेकिन इस समय आपके पास
एक बहुत कुशल कुलपति और कुल सचिव मिले हैं। इनके प्रयासों से ये विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को बहुत ही सरलता से और शीघ्रता से प्राप्त होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और उसमें उस महायज्ञ में यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जो शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए हो, प्रशासनिक कार्य से जुड़े हुए हो और अन्य सेवाकारों से जुड़े हुए हो, विद्यार्थी हो या इस विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, सब एकजुट होकर के सबका सहयोग ये दोनों महानुभावों के नेतृत्व को सहयोग करेंगे, तभी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत और भारतीय ज्ञान की परंपरा संपूर्ण विश्व में अद्वितीय विद्याओं की परंपरा है, जिसकी अनुमान वर्तमान परिस्थिति में जो तथाकथित अति आधुनिक या उत्तर आधुनिक सभ्यता में जीने वाले लोगों को इसके अंदाज, इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। अब एक नए संभावना हम लोगों के सामने देख रहे हैं, उस संभावना को हमें ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए। कुछ युग 200-300 वर्ष ऐसा बीता कि जितना प्राचीन परंपराएं हैं वह उसके समय व्यतीत हो चुका है, आउटडेटेड हो चुके हैं। सारे आधुनिकता में जाना चाहिए, ऐसा एक जन साधारण विचार बने थे। विनोबा भावे जी ने अनेक बार इस कथन को अभिव्यक्त किया है कि अगर आधुनिक साइंस के विकास ठीक हो सकें तो वह एक दिन आध्यात्मिक विद्या से, प्राचीन भारतीय विद्या से मिलन होंगे। जब दोनों के शिखर सम्मिलन आधुनिक साइंस और प्राचीन भारतीय विद्या के मिलन होंगे, तब संपूर्ण जगत की जो व्यवस्था है वो एक नई चीज़ उदय होगा। मैं इसका विरोध करते थे अनेक बार, आचार्य जी जब जीवित थे तभी मैंने कहा था, उनके बाद भी, कि ये आचार्य जी का सपना संभवतः पूर्ण होने वाला नहीं है। परंतु इस विचार को परम पावन 14वें दलाई लामा जी ने भी लिया और उन्होंने पिछले 40 वर्षों से पश्चात आधुनिक साइंस वालों से संपर्क में रहा, संवाद में रहा। ये संवाद आप एक संस्था के रूप ले चुके हैं, द माइंड लाइफ इंस्टीट्यूट, जो अमेरिका में स्थापित हुआ है, उनके माध्यम से बौद्ध साइंस और आधुनिक साइंस के मध्य में एक विशाल वार्तालाप पिछले 40 वर्षों से चल रहे हैं। उससे आधुनिक साइंस की
सोच में कुछ नए दिशा दिखाई देने लगे हैं, ये आगे बढ़ेगा ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में प्राच्य भारतीय विद्याओं की प्रासंगिकता और उनकी आवश्यकता उत्तर वृद्धि होंगे और लोग इसके और झुकेंगे। गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को उपहास में लोग कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मैं उसको मेरे पश्चात मित्रों से कहता था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए हैं आपको अंततगत्वा मजबूर होकर के गांधी जी के विचारों को मानना पड़ेगा और उसके अनुसार करना पड़ेगा। तो इसको इस ढंग से देखना चाहिए। और मैं विनोबा जी के प्रति भी क्षमा याचना सहित अब कहूँगा कि उनका कहना बिल्कुल सही था, मेरे विचार गलत थे। तो आप जो मैंने कहा कि टैगोर, मालविया जी और स्वामी दयानंद, अरविंद घोष, इन लोगों ने बहुत प्रयास किए थे, वो ज़्यादा सफलता नहीं मिले, तो उनका समय की जो वातावरण था वो कुछ और था। आज संपूर्ण जगत में एक नया वातावरण उपस्थित हो रहे हैं, इसमें ऐसा विश्वविद्यालय की जिसमें प्राचीन भारतीय विद्या जो एक अथाह, एक विशाल, जो वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो वेद, उपवेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र आदि, और बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए तो पांच महाविद्या, और इस प्रकार से जो एक बहुत विशाल प्रामाणिक विद्याओं का भंडार हैं, वह लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, परंतु विलुप्त हुआ नहीं है। महानुभावों ने, महर्षियों ने, बुद्धसत्वाओं ने किसने किसी तरह उसको आज तक जीवित रखे हुए हैं। उनको अब आपके जीवन काल में, आपकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन काल में ये पुनः उदय होगा, और पुनः उदय होकर के संपूर्ण जगत को एक नए शांति और आनंद की एक मौका फिर से देगा। ये दायित्व संपूर्ण जगत के प्रति जो भारतीय वर्ष की दायित्व हैं, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमको परफॉर्म करना होगा। भारतवर्ष को जगत गुरु अलंकारिक रूप से नहीं कहा गया था, ये वास्तव में जगत गुरु थे और बीच में हटा दिया गया प्राचीन शासकों की अधीन में। अब हम राजनीति की दृष्टि से स्वाधीन हैं, अब विद्या की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से पुनः स्वाधीन को प्राप्त करना होगा। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण भारतीय नेतृत्व ने स्वीकार किया है, और उसमें हम लोगों का दायित्व तो क्या होगा, इस आने वाले 25 वर्षों में प्राचीन भारतीय विद्याओं को पुनः स्थापित करके संपूर्ण जगत को एक नए प्रकाश देना, ये हम लोगों की दायित्व रहेगा। आने वाले जो पीढ़ियों की दायित्व रहेगा, और उस दायित्व पूर्ण करने में आप सबका आहुति उसमें आवश्यकता है देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका आभारी हूँ, मुझे आपसे मिलने के अवसर प्रदान किया गया और कुछ बात करने की भी अवसर प्रदान किया गया। जय जगत। हृदय से सभी से अनुरोध है कि आपके
मन में कोई जिज्ञासा या संवाद आप करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपके पास ये कार्डलेस माइक बलराम माजी, प्लीज़ आप चले जाइए। प्रश्न को संसद पर गरिमामय तरीके से आप रखें। पुनः हृदय से धन्यवाद हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय का। संक्रमण काल से पुनर्जागरण काल की यात्रा, यह यात्रा पुनः भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित करेगी और ये विश्वविद्यालय का जो ध्येय भी है कि बौद्ध ज्ञान परंपरा के साथ प्राच्य भारतीय विद्या की जो प्रासंगिकता है उसको हम रेखांकित करें, यह हमारा संकल्प भी है और आप सभी के मनीषियों का सानिध्य आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हमें हमारी यशस्वी कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय के मार्गदर्शन में जो कार्य मिला है उसको आगे बढ़ा पाएँ, ये आपका हमें आशीर्वाद मिलता रहे, यही परमपिता परमेश्वर से मंगल कामना है। मैं अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में आभार प्रदर्शन के लिए माननीय कुलसचिव महोदय को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सेमदोंग रिनपोचे जी का हम सभी को समय प्राप्त हुआ और वो इतनी चिंता करते हैं कि जब हम और माननीय कुलपति महोदया के साथ आपसे मिलने जब धर्मशाला के लिए बात कर रहे थे तो उन्होंने कई बार बोला कि हम जब दिल्ली आएंगे तो वहाँ पर मिलने आ जाना, तो कितने समय की बचत और सामने के वाले की चिंता वो करते हैं, इसी प्रकार अपने विश्वविद्यालय की चिंता हमेशा करते रहते हैं। आपने आज हम सभी को समय दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में हमारे सामान्य परिषद के सदस्य श्रीमान महर्षि अभय कात्यायन जी भी उपस्थित हैं जो विश्वविद्यालय की हमेशा चर्चा और चिंतन करते रहते हैं। अपनी चर्चाओं के दौरान आपके विद्वत व्याख्यान से हम सभी अभी लाभान्वित हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया डॉक्टर नीरजा अरुण गुप्ता जी, आपके कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में लगातार हम प्रोन्नति उन्नति पर बढ़ते जा रहे हैं। इस जो प्राचीन जो क्षेत्र है हमारा सांची, वे बेस और बेतवा नदी के मध्य में जो दुआब है, विंध्याचल की उपत्यकाओं में स्थित, जिसका प्राचीन नाम हम कांकड़ाए के नाम से जानते हैं, इस स्थल पर आप सभी पधारे और आपके सचिव श्री तेंजिंग जी। आज के कार्यक्रम में हमारे जो मध्य भारत है उसके संस्कृत भारती के माननीय संगठन मंत्री डॉक्टर जागेश्वर जी पटले, आपने गुरु गोलवलकर जी पे बहुत अच्छा काम किया है, उसी पर आपका शोध कार्य भी है। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय से पधारे डॉक्टर अजय सिंह जी, जो कंपरेटिव रिलीजन पर जिनका अच्छा काम है और इसके विद्वान भी हैं, आप सभी उपस्थित रहे। और हमारे इस विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक, अध्यापक बंधु, कर्मचारी बंधु, छात्र छात्राएं, आपका अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ और ये कार्यक्रम सफल हुआ। ऐसे भी हम लोग भविष्य में आप सभी, हम सभी लोग एक टीम वर्क के रूप में ऐसे कार्य करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।